the bridge complex. Bridge complex or the bridge coordination compound. Now, if more than one ligand, so they are also called as the polynuclear bridge coordination compound. They are also called like that. In aisa bhi bolte hain. जैसे क्यों पॉलीन्यूक्लियर, आप यहां देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो गए. अगर ये दोनों सेम हो गए तो मतलब जो लिगेंड के साथ अटैचमेंट है वो सेम, जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड. यहां पर जब कभी भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं. बड़ा आसान है, वही रूल है, केवल एक नई चीज सीखनी है. और क्या सीखनी है? व्हेनेवर वी हैव टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड, तो म्यू और हाइफन लगा के ऐसा लिख देते हैं. म्यू क्या है? ब्रिज का काम करेगा. बताता हूं कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स इट इज? कैटायनिक. और कैटायनिक का रूल अपन सीख चुके हैं. हाउ वी हैव टू राइट द नेम? फर्स्ट ऑफ लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद जाके कहीं हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा लिख देते हैं. अगर उसी हिसाब से आप चलोगे तो क्या नाम लिखोगे? इट इज कॉल्ड एज द टेट्रा एनी कोबाल्ट, ऐसा लिखोगे टेट्रा एनी कोबाल्ट. अब अगर इसका नाम लिखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकला. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकलेगा? NH2 न्यूट्रल लिगेंड, this two ligand, ये भी हमारा न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल निकल रहा है. इधर अमोनिया निकालोगे वो भी न्यूट्रल, केवल कोबाल्ट बचा, प्लस टू हो जाएगा स्टेट. भाई देखो बहुत बेसिक सी बात है, अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो कोबाल्ट का, तो आप कोबाल्ट को एक्स मानोगे, ठीक है ना? तो x प्लस जीरो, इधर भी जीरो जा रहा है, ये भी जीरो हो गया, O2 भी जीरो हो गया, NH3 4 भी जीरो हो गया, कोबाल्ट हो जाएगा प्लस टू होगा, ठीक, इज इक्वल टू, ये भी हो गया प्लस टू, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेट नहीं आ रही, तो ये ऐसे ही जाएगा. तो नीड टू राइट, नहीं नहीं एक्चुअली हाउ वी हैव टू राइट, एक बार इधर का नाम लेंगे फिर एक बार इधर से लेके चलेंगे, इसलिए ब्रिज कॉम्प्लेक्स. मतलब जब एक बार आप इस कोबाल्ट को लेके चल रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे पूरे को ऐड करके, फिर जब आप इसको लेके चलोगे तो फिर ऐड करके पूरा निकालोगे, ठीक है ना? तो कोबाल्ट प्लस वन प्लस टू कैसे निकालोगे? कॉपर होता तो मान लेते प्लस वन प्लस टू, यहाँ पे जीरो जा रहा. मैं भी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स, एक मिनट रुको, मैंने एक शीट साइज निकाली थी एक में, और इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा एक आसान सा नाम लिख देता हूँ ब्रिज कॉम्प्लेक्स पर, थोड़ा आसान हो जाएगा. फिर आप इस नाम को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नाम है, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग H2O होल 4 इज इट FeOH, देन फिर यहां पर Fe आया और ये बन गया H2O whole 4 एंड देन एट लास्ट SO4 whole twice. नाउ सपोज वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक. अब इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, तो कैसे करेंगे? अगेन इट इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एंड व्हिच टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स? दीज आर द ब्रिज कॉम्बिनेशन कंपाउंड. सो टेट्रा एक्वा आयरन. अब इसका स्टेट निकालोगे तो OH क्या होता है? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइड हो, ठीक. तो OH माइनस वन, तो इसके साथ से निकालोगे तो क्या बन जाएगा? -1 -1 मतलब -2 है ना, -2, और इसके हिसाब से ये बन जाएगा प्लस टू की बात करोगे, ये SO4 -2 है ना, SO4 -2 बनेगा, इसके हिसाब से निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 × 4 + x -2 + 2 + 0 एंड -4 = 0. तो ये कट गया, 4 बचेगा, 4 यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? टेट्रा एक्वा आयरन 4, ठीक. अब जब इसके बाद नाम जब जाओगे तो यहां म्यू लगाना पड़ेगा, मतलब हाउ टू राइट द न्यू किसका ये मैंने आयरन लिया ना, ये करना पड़ेगा ना भाई. अगर इसका स्टेट निकालोगे, अगर यहां पर एक बार एफ ई लेके चल रहे हो तो इस स्टेट को निकालोगे, फिर जब इसे एफ ई को लेके चलोगे तो उसको एक्स मान लोगे, वो दोनों में सेम आ जाएगा, वो दोनों में सेम आ जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड द ब्रिज. केवल हमें म्यू कहां लगाना पड़ता है? जब आप इसका नाम लिखते हैं, जैसे टेट्रा एक्वा आयरन, ऑक्सीजन स्टेट लिख दिया, ठीक. फिर क्या लिखा? म्यू. अब म्यू लगा दो, ठीक है ना, और म्यू के बाद में क्या बन जाएगा? डाई हाइड्रोक्सो
डायहाइड्रोक्साइड बना, और फिर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेट्रा एक्वा आयरन, फिर से ऑक्सीजन स्टेट, देन एट लास्ट सल्फेट, ऐसे अपन नाम। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वो जीरो ही आ रहा है, चाहे इस कोबाल्ट के लिए चले चाहे उस कोबाल्ट के लिए चले, तो कोई मतलब नहीं पड़ता, सीधे ऐसे ब्रैकेट केवल छोड़ देंगे तो नाम क्या बन जाएगा, टेट्रा एनी कोबाल्ट। ठीक, स्टेट में कुछ आया नहीं तो अपन ब्रैकेट बना के जीरो लिख देंगे, देन म्यू एमाइडो एंड देन डाइऑक्सीजन, है ना, म्यू मतलब ये दो हमारे अलग अलग लिगेंड हो, देन अगेन टेट्रा एनी कोबाल्ट जीरो और आयन, एट लास्ट यू हैव टू राइट डाउन द आयन। एक और मजेदार सी बात, व्हेनेवर वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ एनी एनायनिक पार्ट, दिस इज सपोज इसका नाम लिखना है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, सो व्हेनेवर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ एनी आयन देन एट लास्ट वी हैव टू यूज द टर्म आयन, सो हाउ वी हैव टू राइट, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन, एट लास्ट वी हैव टू राइट डाउन द आयन। ठीक है ना, तो जब लास्ट में नाम आप खत्म करोगे तो आयन वर्ड लिखोगे, तो याद रखना, कैटायनिक लिगेंड में ईएम यूज करता है, सपोज पिरिडिनियम, कोबाल्ट तो सेंटर मेटल आइटम है बेटा, कोबाल्ट इज नॉट द लिगेंड, नहीं ईएम कहां लगा रहा, ईएम वी विल यूज इन द नेम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड तो यहाँ पे दो ही है, NH2 और O2 और इधर NH3 है, तो ये तो टेट्राएमीन हो गया, ये एमाइडो हो गया, ये डाइऑक्सीजन हो गया, तो कोई पॉजिटिव लिगेंड बन ही नहीं रहा है, सो व्हेनेवर द पॉजिटिव लिगेंड विल कम देन वी हैव टू यूज द टर्म ईएम। सर चलो आयरन का प्लस 2 कैसे आया ऑक्सीजन, कहां पर नीचे वाले से प्लस 2 नहीं आएगा, प्लस 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, सर वो दूसरे वाले का जो आपने प्लस 2 कंसीडर किया वो कैसे है, हाँ क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो जनरल ऑक्सीजन स्टेट है वो प्लस 2 है ना, तो अपन जनरल स्टेट को मानते हैं, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन डिटरमिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू, थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने देखो नाम लिखा, तो इस एनसीईआरटी वाली बुक से अपन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, हाँ चलो, नाउ वी आर हैविंग वन नेम पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड, नाउ this is the name they have given us, this is the name of the particular compound, and now we have to write down the structure of this particular compound. Sonobar and Sahil and Anish, is it clear to you? So what we are going to discuss today, today name will be given to us, but we have to write down the structure, hame structure banana hai, ulta sawal laga, abhi tak kya karte the, compound diya hota tha naam likhte the, abhi naam diya hua hai structure likhenge, theek hai na, to samjho, so this, now we have to write down the structure for them. So first of all, देखो इसका भी तरीका होता है, whenever eight word is there, eight means which type of the complex we are having, anionic, इसका मतलब जो भी हमें complex मिला था वो anionic मिला था, ठीक है ना, and now potassium मतलब ये हो गया काउंटर पार्ट, पोटेशियम इज द काउंटर पार्ट, एंड देन एल्यूमिनेट मीन्स एल्युमिनियम विल बी कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल मेटल आइटम, ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो मीन C2O4, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, OX होल ट्राइस भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट C2O4 होल ट्राइस, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू हाउ वी आर राइटिंग, ओनली दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं खुद समझ में आएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्टेट कितना आ रहा है, थर्ड,
अब हम कितना पोटेशियम लेके स्टेट 3 आ जाए। देख तो देखो ये तो x हो गया, ये कितना हो गया माइनस x, बिकॉज C2O4 इज ऑक्सीजन इज अ डाइडेंटिटी COO-COO-. सो माइनस टू चार्ज विल बी देयर, तो माइनस टू इंटू थ्री मीन माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स। अब इसको सेट करना पड़ेगा कितना करें, सो व्हेन यू विल पुट द K3 ओवर देयर देन द ऑक्सीडेशन स्टेट 3 विल कम। अगर यहां पर आप केवल K लिखोगे तो स्टेट 5 आएगी। हाँ, ट्रेस एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा एक जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा ऑक्सिलेटो है, जो हमारा ऑक्सिलेटो लिगेंड है, इन रियलिटी इट विल कंसीडर एज अ डाइडेंटेट लिगेंड, और अगर ये डाइडेंटेट है तो यहाँ ट्रेस होना चाहिए। बट कहीं कहीं पे आप क्या देखोगे एनसीईआरटी की बुक में ऑक्सिलेट में कहीं कहीं पे ट्राई लिख दिया, कहीं कहीं पे ट्रेस लिख दिया, आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, ठीक। बट अगर जनरली में देखा जाए तो वास्तव में यहाँ पे ट्रेस वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, रियलिटी यही। अगर आप देखोगे तो ऑक्सीलेट कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेट, और अगर डाइडेंटेट लिगेंड 3 टाइम्स आया तो ट्रिस वर्ड शुड बी देयर। बट यहां पर वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेट को डाइडेंटेट होने के बावजूद भी ट्राई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू, फिलहाल यहां ट्रिस अगर लिखा होता तो भी अपन ऐसे ही करते, ठीक है। तो वो अपने एनसीईआरटी का सवाल था तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, ठीक। सो इज इट क्लियर टू यू, द K3 विल कम। सोनू बार एंड साहिल Cobalt 3rd. डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1.2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3rd। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सोनू साहिल आने प्लीज ट्राई टू राइट डाउन, बताओ भाई क्या होगा स्ट्रक्चर फार्मूला। डाइक्लोराइडो बेस, बेस का मतलब कैसा लिगेंड आ गया, डाइडेंटेट, बेस का मतलब वो दो बार आया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स एंटिटी, सबसे पहले ये पहचान। नाउ यू कैन सी नो 8 वर्ड इज देयर, so which type of the complex it is, cationic। अब अगर cationic होगा तो पहले क्या होगा ब्रैकेट और बाद में होगा काउंटरपार्ट। फिलहाल यहाँ पे काउंटरपार्ट के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये एनायनिक कोई भी आयनिक स्पीसीज है, ठीक है। सो नाउ कोबाल्ट, फिलहाल तो कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल आइटम, इतना तो दिख गया। देन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो का मतलब ये Cl2 हो गया। बेस इथेन 1.2 डाइएमाइन का मतलब EN twice हो गया, ठीक। नाउ प्लीज ट्राई टू पुट द चार्ज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 आना चाहिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा x-2, ये x-2 है, ये 0। अब सोचो कितना चार्ज लगा था, +1, +1 शुड बी देयर, तो एक का प्लस लगाओ, देखो कैसे ये x हो जाएगा, ये -1 × 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इथाइलिन डाइएमाइन इज इक्वल टू +1। आगे 2 उधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली x-2 = +1, x = +3, तो 3 तो आ रहा। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी बोला था, आप ये मान के चलो 100% बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12, आपके किस्मत में सरल क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्विस्ट होके ही आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपके बोर्ड या कॉम्पिटिशन में ज्यादा है, बजाय इसके कि सीधे सीधे आपसे वो आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि वी हैव टू जस्ट ट्राई टू सेट द ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच विल बी गिवन इन अवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या दिया हुआ था, डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1.2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3rd। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटी, कैसे एंटिटी मिली, कैटायनिक, क्योंकि 8 नहीं लिखा हुआ है, मतलब हमने सीधे ब्रैकेट बना दिया। Which is the central metal atom? Cobalt हो गया। Dichloride मतलब Cl2 हो गया। बेस का मतलब 2 times था, क्या था? इथेन 1.2 डाइएमाइन, that's it। अब क्या करना पड़ेगा? हमें स्टेट कितनी लानी है? 3rd। समझो, मैं एक बार गलत क्वेश्चन करके चलता हूँ। एक बार गलत करूंगा तो सही समझ में आए। सपोज किसी स्टूडेंट ने क्या किया, जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा बना दिया, ठीक। अगर मैंने केवल इतना लिख के छोड़ दिया होगा तो एट दैट टाइम व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट विल कम, बताओ। अगर केवल इतना लिख के छोड़ देता तो यहां पर कोबाल्ट का स्टेट कितना आएगा? +2, जबकि आना कितना चाहिए?
प्लस थ्री। अब ये अरेंज करना होगा, आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना ऐसा क्या रखें कि प्लस थ्री आ जाए। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ प्लस का वन चार्ज लगा दिया, अब आ जाएगा प्लस थ्री। तो दिस पार्ट नाउ वी हैव टू थिंक, यहाँ पे ठीक है, एक और हो जाए, थोड़ा सा कठिन सा लें, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं। चलो नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन देता हूं, एक्सरसाइज से उठाता हूं, एक्सरसाइज में अच्छे सवाल हैं इसमें, ये तो एग्जांपल था। द नेम इज पेंटा एमाइन नाइट्राइटो, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड। चलो पेंटा एमाइन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक मदद की जरूरत है तुम्हें, तो मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ओवर देयर। यस वेरी गुड, because I think two days before I just discussed one thing, ambident limit. So what I told you कि ambident, suppose I am talking about the NO2. अब अगर ये NO2 है और central metal atom अगर N की तरफ से जुड़ रहा है, it shows only the linkage. It showing that कि जो nitro आपने इस्तेमाल किया है NO2, उसका N जुड़ा है central metal atom से, इसलिए N लगा हुआ है। If suppose O will be there, अगर यहाँ O लिखा हो, अगर O लिखा होता तो it means that कि center metal atom में O वाला part होगा। तो doesn't mean ये कोई आपका IUPAC खराब नहीं करेगा, कुछ नया चीज नहीं लाएगा, it shows only the linkage of the center metal, of the ligand to the center metal atom, किधर से जुड़। चलो बढ़ाओ भाई, what will be the structure formula? Good, which type of the complex entity? Cation, eighth word नहीं। और दूसरी बात, कोई काउंटर पार्ट भी नहीं है, कोबाल्ट के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मींस दैट वी हैव टू राइट इन अ फॉर्म ऑफ आयन, आयन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो विच इज द सेंटर मेटल एटम, कोबाल्ट, पेंटा एमाइन NH3 होल 5 नाइट्राइटो मतलब NO2, दैट्स इट, इतना लिख के छोड़ दिया। अब सेट करो कितना आ गया, कैसे आएगा, प्लस 2, वेरी गुड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आ रहा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन रहा है ना। चलो अभी एक दो और लिख लूंगा ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लिख के छोड़ दो, खत्म ना। वो तो हमारी सहूलियत के लिए बता दिया कि N का मतलब ये है कि जो आपने नाइट्राइटो एम्बिडेंट लिगेंड इस्तेमाल किया है उसका N लिंक कर रहा है सेंटर मेटल आयन। एंड इफ O विल बी देयर, देन इट मींस दैट इन द NO2 O एटम इज यूज्ड फॉर द बॉन्डिंग, वहां पे O ऐसा हो। इसीलिए जब आप IUPAC पढ़ोगे ना, आइसोमेरिज्म, तो व्हेनेवर द एम्बिडेंट लिगेंड विल यूज, देन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल शो द स्पेशल टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म व्हिच इज कॉल्ड द लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये लिंकेज है, एक बार एन से लिंकेज है तो एक बार ओ से हो जाएगा। खैर वो पढ़ोगे, जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं आज थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का स्टार्टअप ले लूंगा, थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा, फिलहाल एक बार नाम भी और थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा, क्योंकि IUPAC वो चीज है जितना जल्दी हमें स्ट्रक्चर और नाम लिखना आ जाएगा आधा चैप्टर तो पहले ही समझ जाता है। चलो दो सेकेंड वन है, हाँ ये कुछ अच्छा नाम मिला, उल्टा नाम ले रहा हूं, इस बार IUPAC लिख के दिखाओ। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द IUPAC नेम एंड द कंपाउंड इज, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द IUPAC, CrNH3 होल ट्वाइस Cl2 En and then positive charge. Now you have to write down the IUPAC name of this coordination complex entity. Is coordination entity ka naam likho. Sonubar, Sahir and Amish. Aur agar aur bhi koi agar juda hai to uska naam likho. What is the IUPAC name of this complex entity? Dekho charge dekh ke samajh jao which type of the entity it is. Cationic. Ye cationic hai. कल मैंने आपको रूल बताया था, हाउ वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, फॉलो दैट रूल एंड ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। व्हिच टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक, यस, इथेन डायमीन, क्रोमियम,
थर्ड ओके नाउ सो डाइएमाइन डाइक्लोराइडो देन इथेन 1.2 डाइएमाइन या इथेलिन डाइएमाइन भी लिख सकते हो क्रोमियम और भी डाल दो स्टेट तो ये तो हो गया जीरो ये भी हो गया जीरो ये हो गया माइनस टू उधर जाएगा तो एक और ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा थर्ड एंड प्लस व्हाट यू विल राइट आयरन इफ यू विल नॉट राइट दिस वर्ड द मार्क्स विल डिटेक्ट नंबर कट जाएंगे क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है ये आयन है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि साहब वो आयन ठीक है एक और करो डायमीन डाइक्लोराइडो मैंने एक मिनट जस्ट मैंने जस्ट इसमें कोई एक है जो बहुत भूल गया आईयूपीएसी में एक ऐसा है कंपाउंड जो बहुत टाइम लेता है स्ट्रक्चर सेट करने में मुझे याद नहीं आ रहा है बट कोई तो नाम था इसमें हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट नाउ यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर So, cobalt hexaamine मतलब NH3 whole 6 and then हाँ मैंने कहा था ना इसमें कोई एक नाम है जो डिस्टर्ब करेगा थोड़ा आई होप शायद यही है बिकॉज hexaamine cobalt थर्ड सल्फेट अब सेट करो दूसरा वेरी मच मतलब ये जो है ना ये आपका जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है 100% आपको खुद ही तस्वीर समझ में आ जाएगी अगर आप केवल इसको इतना लिख के छोड़ दोगे तो स्टेट कितनी आ रही है टू जबकि लाना कितना है थर्ड अब अगर किसी बच्चे ने SO4 होल थ्राइस कर दिया तो सिक्स बन गया तो अभी क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ यहां लिखना पड़ेगा SO4 का थ्राइस और इसे करना पड़ेगा ट्वाइस देन द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बैलेंस ठीक है ना इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कहा था ना है कोई सवाल याद आ गया बिकॉज़ नाउ व्हेन यू विल फाइंड आउट द स्टेट तो ये x हो जाएगा तो 2x ये 0 है ये -2 3 0 x 3 सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट क्या केवल सेट करना था तो आप ये भी समझो कि फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन मेक ट्वाइस थ्राइस एज पर आवर कन्वीनियंस उस बना सकते हैं ठीक है Sonobar, is it clear to you? Sonobar, please text me. Is this name clear to you? The name was given to us and we have to write down the structure. So, yahan pe twice or thrice karna pada oxidation state ko balance karne ke liye. So, is it clear to you? Okay, good. Now, to ye kuch IUPAC hai. Practice mein laate raho. Halanki abhi isomerism padhoge to wahan bhi baar baar repeat hoga. So, ye kuch important baatein thi yaad rakho. The two, three things were very much important. First of all, you have to identify the complex. सबसे पहले identify करो. Second thing is that if you are having the heteroleptic complex, then name of the ligand you have to write down as per the alphabetically order. और फिर आज एक नया question हो गया कि कोई bridge complex आएगा तो mu लगा के लिखना है. कुछ इसमें ऐसा खास नहीं था. ठीक. Now after that, the next heading we are going to discuss, and that is the isomerism. ये दूसरा topic आ गया chapter. Isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. Now we have to discuss the isomerism in coordination compound. Now, isomerism word is not the new for you. खूब पढ़ा है, पूरी organic पढ़ी हो, tenth से पढ़ते चले आए. When the structure formula will be different, but the molecular formula will be the same. But this time, my dear, we are dealing with the inorganic.
अपन ऑर्गेनिक की बात तो नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं तो कौन कौन से टाइप होते थे, स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ऐसा पढ़ रहे थे. Now, whenever we will discuss the isomerism in the coordination compound, एक बात बताओ, coordination compound में बहुत अच्छा सा सवाल है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके कभी एग्जाम में आएगा, बट ये वो क्वेश्चन है जो आपको, जो आपका फाउंडेशन है चैप्टर का, उसे मजबूत करे. मुझे एक बात बताओ, whenever we have to discuss any coordination compound, please give me the name of the two important thing in which the whole coordination chemistry depends. Ligands and center metal. That's it. यही तो मतलब है. The center metal atom and the ligand. अब चाहे वो nomenclature हो, तो भी हमें वहीं focus करना पड़ा. Bonding की बात करोगे, तो भी वहीं जाना पड़ेगा. और अगर structure की बात करोगे, तो again the structure will be differ with respect to center metal atom and the ligand. That's it. ठीक. जैसे मैंने अभी आपको M bidentate ligand का example दिया. अब वो linkage तो है. कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच का लिंकेज बदल दिया तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए. सो नाउ व्हाट यू कैन से अबाउट द आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दिस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी सेम बट द स्ट्रक्चर विल बी डिफर विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में कुछ ऐसा चेंजेस आएगा जिससे उनके स्ट्रक्चर बदल जाए. वो कौन कौन से चेंजेस आएंगे, कब कब स्ट्रक्चर बदलेंगे, उन्हीं का हमने पूरा हेडिंग तैयार कर लिया. ठीक. सो नाउ माय डियर, अगेन चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक हो, आइसोमेरिज्म के बच्चा टाइप को दो ही होते हैं, टाइप को दो ही होते हैं, मेन दो ही टाइप होते हैं, एंड दोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. बताओ भाई, एंड व्हाट इज द सेकंड वन? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. So these two types are there, structural isomerism and the stereo isomerism. This time the structural isomerism are also classified in four parts. And what are the four parts? The first one is ionization isomerism. Yahan naam alag hai, organic jaise nahi hai. So the first one is ionization isomerism. Second one is called hydrate or solvate isomerism. Third one is called as the linkage isomerism, and the fourth one is called coordination isomerism. So these four types will come under the structural isomerism, which were ionization, hydrate, linkage and coordination. Stereo ke naam wahi hai, chahe organic ho ya inorganic ho. Those are geometrical isomerism and optical isomerism. So geometrical isomerism and optical isomerism. Okay, so ye sahab puri kahani humne padhi. Okay, so this time in the coordination compound, the structure will be different with respect to central metal atom and the ligand bonding, and the total six isomerism we have to discuss, which is mainly divided into the two part, structural and the stereo. Structural means four: ionization, hydrate, linkage and coordination, and the stereo, geometrical and the optical. So today my dear, we will try to finish this part. ये part आज खत्म कर लेंगे और ये part अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये कल पूरा एक लेक्चर 40 मिनट इसमें लग जाएंगे. ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा आसान है, तो आज ही के लेक्चर पे खत्म होने की कोशिश करेंगे. ठीक है? So is it clear to everybody? Now, so now we are going to discuss one by one about the structural isomerism. It's a part of that. Chalo. So the first one is ionization isomerism. Ionization isomerism. Now, first of all, my dear, with the heading only you can understand better कि सर कुछ तो आयंस को लेके लफड़ा है, तभी नाम आयन से स्टार्ट हुआ, आयोनाइजेशन. ठीक. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल पहले देखेंगे फिर डिफिनेशन पकड़ेंगे, तुम खुद समझ जाओ. सपोज आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द या एनी स्ट्रक्चर CuNH3O5SO4Br. सपोज दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आई जस्ट रोट, या मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई एक नाम लिखा.
Then what will be the IUPAC name of this compound? Tell us about that. What will be the IUPAC name of the compound? Pentamine sulfato copper. Then third bromine. क्योंकि सल्फेट से माइनस टू ब्रोमीन पे वन, ये तो न्यूट्रल होता है, ये सब नाम हो गया। एक बार मैंने क्या किया और लगाया और इस कंपाउंड को ऐसा लिखने की कोशिश करी, सी यू एन एच थ्री होल फाइव बी आर एंड एसओ फोर। अब देखो नाउ द नेम इज पेंटा एमाइन ब्रोमाइडो कॉपर थर्ड सल्फेट। बट द थिंग इज दैट व्हेनेवर यू विल dissolve this particular coordination compound into the water, agar aap karoge then which ion you will get? Bromide ion. Ye dekho bromide milega na, free state mein to bromide milega kyunki ye to secondary valency hai, non ionizable hai, theek। Aur agar is compound ko water mein dissolve karoge to kaun sa ion milega? Sulfate। Bas yahi kahani hai ionization isomerism ki, the ionization isomerism the molecular formula of the coordination compound will be the same but they will produce the different ion in aqueous medium। Dekho molecular formula same hai, what is the coordination number of the copper over here? 6। Yahan par niche hai, what is the coordination number of the copper in this particular compound? Ye niche hai, to aapne uske coordination number pe bhi koi badlav nahi kiya, uske aapne secondary valency ko bhi nahi cheda, theek kya badla? Keval ions badal diye। So this type of the compound will show the ionization। So what is the definition? In the ionization isomerism, the molecular formula of the coordination compound will be the same, but they will produce different ions in aqueous medium। आई वाला बात समझ में? तो ये हो गया साहब ionization isomerism का मतलब। Now my dear, one thing is very much important, you have to always keep in your mind, coordination number should not be changed। Coordination number पे बदलाव मत करना। ऐसा मत करना कि अपने मन से यहां से चार, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सपोज यहां पर NH3 5 ना होता, सपोज यहां पे CO3 5 होता, कार्बोनेट हो जाता। अब कोई क्या सोचता है कि सर कार्बोनेट चार यहां ले लेंगे एक बाहर कर देंगे तो कार्बोनेट आयन मिल जाएगा, शुड नॉट मैटर। आप कर सकते हो बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुड नॉट बी चेंज। तो अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप चाहे कोई सा भी आइसोमर बनाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द सेम। ठीक है, चलो ये तो हो गया एकेडमिक का सवाल, यही पर जेई का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं इसी हेडिंग में। बढ़िया सवाल, मजा आएगा तुम। ठीक, ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया कि सर व्हाट इज द आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आई होप बात बन गई। क्वेश्चन ट्विस्ट क्या कर गया, गिव द एविडेंस। देखो जरा से वर्ड के छेड़छाड़ से आपका लेवल कितना बढ़ जाता है और यही आपको पहचानना होता है। क्वेश्चन आया गिव वन एविडेंस बाय विच वी कैन प्रूव दैट दीज कंपाउंड कैन शो द आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। फंस गया। अगर क्लास 12 बोर्ड के पेपर में 2021 में ये सवाल आया तो मैं दावे से बोलता हूं 80% लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे बट नंबर पाएंगे अंडा। क्वेश्चन क्या है, गिव एविडेंस। एविडेंस का मतलब नाउ वी हैव टू राइट समथिंग जिससे पता चले कि ऐसा हुआ है। क्वेश्चन है कैसा कि व्हाई दिस कंपाउंड विल शो द आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। बड़ा सीधा सा आंसर है सर, एक बार ब्रोमाइड आयन मिलेगा एक्वस मीडियम में, एक बार एक्वस मीडियम में सल्फेट मिलेगा, इसलिए ऐसा। मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने कहा गिव एविडेंस, एक गवाही दो, एक प्रूविंग दो, इससे प्रूफ हो जाए कि वास्तव में ये दोनों कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। So now we have to write down the test। आपको एक केमिकल टेस्ट लिखना पड़ेगा जिससे ये बात जाहिर हो सके। तो कैसे लिखते हैं, देखो प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई है, धीरे धीरे अभी आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आप भी बहुत सारे टेस्ट करोगे, आपको खुद भी समझ में आएगा बट फिर भी थोड़ा बहुत आप जानते हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि सपोज अगर आप इस कंपाउंड में AgNO2 डालो, सिल्वर नाइट्राइड, ठीक, और इस कंपाउंड में अगर मैंने बेरियम क्लोराइड डाल दिया BaCl, अब देखो ये प्रूफ करेगा। अगर यहां पर आप AgNO2 डालोगे तो हमें किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा? AgBr का, ये येलोइश कलर होता है, तो ये सिद्ध कर देगा कि इसका मतलब बाहर ब्रोमाइड फ्री था, तभी सिल्वर नाइट्राइड के साथ जुड़ करके उसने AgBr फॉर्म किया है, कलर प्रेसिपिटेट बनाया है। अगर इसी कंपाउंड में, इस वाले में आप AgNO2 डालते तो AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इसमें ब्रोमाइड आयन फ्री। लाइक दैट व्हेनेवर यू विल ऐड द बेरियम क्लोराइड ओवर देयर,
So then you will form over here white precipitate of the barium sulfate. या बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा. इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि जो सल्फेट आयन था वो फ्री स्टेट. सो दिस इज द एविडेंस. सो बाय द टू टेस्ट, बाय एडिंग द सिल्वर नाइट्राइड एंड एडिंग द बेरियम क्लोराइड, वी आर एबल टू प्रूव दैट दीज टू कंपाउंड विल शो द आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करने का मतलब क्या, ये आयन फ्री हुआ कि नहीं. तो अगर एक बार ब्रोमाइड आयन फ्री है और आप सिल्वर नाइट्राइड मिलाओगे तो AgBr का इवरेज प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर यहां पर बेरियम क्लोराइड मिलाओगे तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा. तो इससे ये प्रूफ होगा कि दोनों बार अलग अलग आयन्स बने. सो इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी कि व्हेनेवर द क्वेश्चन विल कम. देखो भाई एक बार एकेडमिक एक बार कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन कर रहा हूं ठीक है ना. ऐसा आएगा वो लिख देगा ना कंपाउंड एक्स, ये नाम लिख दिया. व्हेन और व्हेन सम अमाउंट ऑफ द बेरियम क्लोराइड इज एडेड इन दिस कंपाउंड एक्स एंड इन दिस कंपाउंड वाई, इन विच कंपाउंड सल्फेट आयन विल बी फ्री. वो यहां क्या करेंगे, आपको ऐसा लिख के नहीं देंगे, वो ऐसा लिख के नहीं देंगे, वो आपको सीधे सीधे ऐसा लिख देंगे. अ कंपाउंड एक्स या कोई कंपाउंड ए है, कैसे, CuNH3O5SO4Br, इतना लिख के छोड़ दिया. अब आप आइडेंटिफाई करते हैं, उन्होंने कुछ भी ब्रैकेट नहीं बना के दिया, क्योंकि ब्रैकेट बना के देंगे तो आप पहचान जाओगे. सो दे विल राइट लाइक दिस, अ कंपाउंड ए सीधे सीधे मिला के ऐसा लिख दिया, अ कंपाउंड ए CuNH3O5SO4Br. When dissolved with silver nitride, it forms the yellow precipitate. Find out which ion will be free over there. है ना? A compound A again added with the barium chloride, तो ऐसा करके देंगे, तो this is the important question for it. तो give evidence अगर लिख के आएगा, so then we have to write down the one chemical test by which we are able to prove that this ion will be free, जिससे उसका precipitate. बात समझ में आ गई ना सबको? सोनू बार, is it clear to you? सोनू बार, साहिल एंड आनिश, जो जो है लाइव क्लास में बता दो भाई. इज इट क्लियर टू यू? ब्रोमीन ब्रोमीन तो हालांकि अपने आप में भी कभी कभी येलोइश देगा, रेडिश ब्राउन के भी आ, सिल्वर के साथ तो नहीं बताओ. ब्रोमीन का खुला छोड़ देंगे तो नहीं, देखो क्वेश्चन क्या होता है, टी ब्लॉक का सवाल था कि ब्रोमीन वाटर को अगर कुछ देर के लिए हम खुला छोड़ दें तो वो डीकलराइज हो जाता है, वो ये सवाल है ना. तो वो तो क्या होता है कि वो ब्रोमीन वाटर फ्री स्टेट में, अभी यहाँ ब्रोमीन इस आयन के फॉर्म में, एक्वस मीडियम में अलग, ठीक है ना. ये जैसे रेडिश ब्राउन सबसे ज्यादा तो देता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर है तो वहां पर रेडिश ब्राउन फ्यूम जरूर निकलता है. जैसे मान लो आप सब पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड, अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ब्राउन कलर का गैस निकलता है. कौन सा गैस होता है? NO2, वो NO2 गैस होता है ठीक है ना. सो दिस वाज द फर्स्ट आइसोमरिज्म व्हिच इज द आयोनाइजेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो. द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हेडिंग में ही वर्ड छुपा है वाटर. सॉल्वेट भी है और हाइड्रेट मतलब पानी है, मतलब पूरा का पूरा जो खेल है वो पानी को लेके है. तो जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, ठीक है. तो चलो भाई देखते हैं वाटर के हिसाब से क्या माजरा बदला. दिस इज द कॉमन क्लू फॉर अस. एक अपने को पढ़ने के पहले एक क्लू मिल चुका है और जिससे टॉपिक हो गया आसान. क्या क्लू मिल गया कि सर व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रेट और द सॉल्वेट आइसोमरिज्म, वाटर मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड. अंदर पानी के दर्शन जरूर होंगे, लिगेंड के रूप में पानी के दर्शन जरूर होंगे अगर ये आइसोमरिज्म है तो. That is absolutely clear. 100% damn sure वो नहीं होना. जैसे for example, I wrote the formula of the one coordination compound CrH2O6CL3. So what is the name? Hexa aqua chromium third chloride. ये ना, ये coordination compound हो गया. Suppose अब मैंने इसके isomer बनाने चालू किए. कैसे? एक बार मैंने कोशिश करी एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर अस,
आई मैंने बताया था ज्यादा किसी को यस कोऑर्डिनेशन नंबर शुड नॉट बी चेंज. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड? 6. 6 पानी के मॉलिक्यूल है. सो नाउ सपोज आई ट्राई टू मेक वन आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. मैंने यहां 5 कर दिया, अंदर एक Cl को बुला लिया, ये Cl2.H2O कर दिया. ये देखो बात बन गई ना. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? आल्सो द 6. अभी भी 6 है. बस क्या हुआ, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर फेंक दिया, अंदर 5 कर दिए, बना सकते हैं. एंड व्हाट, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ? पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, क्योंकि डॉट H2O बाहर चला गया, इसीलिए नाम है हाइड्रेट आइसोमरिज्म. इट मींस दैट इन सच टाइप ऑफ द आइसोमरिज्म द आइसोमर्स आर द पॉसिबल while changing in the number of the water molecule as a ligand. And water molecule must be present over there. और एक बात, और एक competition की बात, पानी का molecule कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए. केवल एक होने से बात नहीं बनी, क्योंकि अगर केवल एक लोगे तो वहां निकल जाएगा, तो अंदर किसे लाओगे? ठीक है ना? So that is also the very much important part. और देखो, इसके पता है कितने isomer बन सकते हैं? Total 3. देखो, एक बार हमने किया CrH2O whole 4 Cl2 Cl.2H2 dihydrate. अभी भी coordination number कितना है? 6 है. So the name is tetraaqua dichloride chromium third chloride dihydrate. एक बार और भी कर सकते हैं. Suppose CrH2O whole thrice Cl3.3H2O. अभी बन गया. So what is the name? Triaqua trichloride chromium third वॉटर मॉलिक्यूल विल बी डिफर एज अ लिगेंड. और एक और मजबूत बात कि ये कंपाउंड तभी हाइड्रेट आइसोमरिज्म शो करेंगे जब पानी का होना जरूरी है एज अ लिगेंड. एंड हाउ मेनी मिनिमम वॉटर शुड बी देयर? मिनिमम 2, मोर देन 1, एक से ज्यादा हो, क्योंकि एक बार बाहर जाएगा तब हाइड्रेट बनाएगा. सो दिस इज द टाइप ऑफ द आइसोमरिज्म व्हिच इज कॉल्ड द हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमर. ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इतना ही रखते हैं, दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया. ठीक है, सो टुमारो वी विल डिस्कस लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन एंड देन स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्टीरियो आइसोमरिज्म नो डाउट इज द वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर अस. ठीक है, मैं यहीं से बता दूंगा, आप जेईई के पेपर में बैठने जा रहे हो तो चाहे आप फरवरी में बैठने वाले स्टूडेंट हो, या मार्च में हो, या अप्रैल में हो, या मई में, दावे के साथ आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म का क्वेश्चन जरूर मिलेगा. भले आईयूपीएसी छूट जाए, बट स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं छूटेगा. ठीक है, तो कल जरा बढ़िया ब्रेकफास्ट करके आना. ठीक है, पढ़ाऊंगा 40 ही मिनट, लेकिन थोड़ा सा तर्क वितर्क ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा लोड लेके पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, गुड बाय एंड टेक केयर. ओके, सोनू एंड साहिल, टेक केयर. टुमारो अगेन वी विल मीट विद द स्टीरियो आइसोमरिज्म.